हेलो फ्रेंड्स, आज हम मलाई से बिल्कुल दानेदार घी बनाएंगे। उसके लिए 500 ग्राम हमने दूध की मलाई ली हुई है, आप देख सकते हैं। और इस मलाई को हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के छोड़ दिया था, आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, जम चुकी है। इससे फ्रिज में रखने से क्या होता है, ठंडापन से इसका क्रीम जो है वो जल्दी से निकल आता है। अब चम्मच से सहायता से हम मलाई को अच्छे से फेंटेंगे, 10-15 मिनट तक लगातार इसको फेंटते रहेंगे। इसको जितना फेटेंगे वो उतना ही अच्छा सा क्रीम निकल के तैयार होगा। अब हम इसमें 200 ग्राम के लगभग पानी ऐड करेंगे। पानी डालने से आप देख सकते हैं क्रीम जो है वो अलग हो गया है, पानी से क्रीम जो है वो उतर के ऊपर आ जाता है। और इसको हम ऊपर आए हुए हिस्से को अलग कर लेंगे। ये हमारा घी बनने के लिए क्रीम निकल आया है। ऊपर वाले हिस्से को आराम से हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में घी बनाने के लिए। तो ये घी बनाने का बहुत ही आसान सा देसी सा तरीका है और बिल्कुल शुद्ध दानेदार देसी घी आप अपने घर में बना सकते हैं। जो दूध की मलाई निकलती है उस मलाई से ही आप बहुत ज़्यादा मात्रे में घी बना सकते हैं। तो इससे बनाइए और अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को भी ये वीडियो शेयर कर दे, ताकि वो लोग भी ये चीज़ें बना पाएँ और हम तक जुड़ पाएँ। और ये चीज़ें अगर आपको पसंद आती है हमारी, तो इसे लाइक करना ना भूलें। लाइक का बटन नीचे है, उसे प्रेस कर दे। इससे क्या होता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी कुछ करने का। तो आप देख सकते हैं क्रीम हमारा घी बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। और ये बचा हुआ पानी का हिस्सा है, इसको आप नींबू डाल करके इसका छेना भी बना सकते हैं, बर्बाद ना करें इसको। तो आइए, घी बनाने के लिए हम पहले अपनी कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं, उसके बाद जो क्रीम निकला हुआ उस क्रीम को डाल दें। इसको थोड़ा सा चला लें गैस का फ्लेम हाई करके, थोड़ा सा इस तरीके से फेंट लें। अब इसको गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम करके हम इसको छोड़ देंगे। और इसको छोड़ देंगे तो वो खुद अपने आप देख सकते हैं उबाल आ रही है इसको, ये अपने आप ही घी अलग हो जाएगा, घी बन करके तैयार हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर पे इसको चलाते रहें वरना जल जाएगा नीचे। तो आप देख सकते हैं हमारी घी बन करके तैयार हो गई है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में छान लेते हैं छलनी की सहायता से। बचा हुआ जो ब्राउन वाला पार्ट है, उस पार्ट को आप लड्डू बना करके खा सकते हैं। इसका भी एक अलग से वीडियो डालेंगे, ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, तो इसे भी बर्बाद ना करें, इसका लड्डू बना करके खाएं। इसको थोड़ा भूज करके इसमें चीनी लगा देंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट सा लड्डू बनके तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे घी, इस घी को अगर आप ढक करके रख दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए, तो ये बिल्कुल जम के दानेदार बन करके तैयार हो जाएगी। और इस घी को अपने खाने में यूज़ करें, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है घी। वैसे भी गाय का शुद्ध घी है ये, तो आप अपनी क्रीम जो दूध का क्रीम निकालते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इस तरीके से घी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 घंटे बाद हमारी ये दानेदार घी
बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़्यादा दानेदार शुद्ध देसी घी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बिल्कुल आप इसको बना सकते हैं 5 से 10 मिनट में। तो आपको हमारी ये तरीका कैसा लगा घी बनाने का, हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और अगर पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बस नीचे रेड बटन उस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाय।